तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बिहार में रक्षाबंधन से पहले नया गठबंधन और इस नए गठबंधन की सरकार बननी तय, जिसको लेकर राजभवन जाकर 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी जो है वो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंप दी है। तो कुल मिलाकर फिर से बिहार में बनने जा रही है चाचा भतीजे की सरकार। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ राजभवन पहुंचे, समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी और इस सबके बीच, मतलब इस सियासी उठापटक के बीच बिहार का त्वरित सर्वे जो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जल्दी से अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर अब आपके सामने, ये देख रहे हैं आप अगला सवाल, नीतीश का तेजस्वी से हाथ मिलाने का फैसला सही या गलत। आप देख सकते हैं 56% का मानना है कि नीतीश का तेजस्वी से हाथ मिलाने का फैसला सही नहीं है। 56% मेजोरिटी इस फैसले को सही नहीं मान रही है, 44% लेकिन हाँ में जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 56% का बड़ा आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं जनादेश के अपमान के तौर पर देख रहा है क्या नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के इस फैसले को। सीधे एक जल्दी से रिएक्शन लेंगे हम, अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता, जनादेश का अपमान। देखिए मैं आपके सर्वे का लेकिन आप ये समझिए कि बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है, 1000 महज 1000 सैंपल्स के आधार पर आप कोई सर्वे करें और उस सर्वे के नतीजे को ही अंतिम नतीजा माने कहीं से भी तय। आपने देखा है कि इस सरकार में, सरकार अभी बनने जा रही है महागठबंधन की, इसको 164 प्लस एक निर्दलीय विधायक यानी 165 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। नहीं नहीं सर, विधायकों का 164-165 का भले ही समर्थन प्राप्त हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि 2020 में जो जनादेश मिला था उसके तो बिल्कुल उलट है ना, पलटी मार गए ना नीतीश कुमार। ये तो बीजेपी का जो आरोप है नीतीश कुमार पर, कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। राकेश सिन्हा जी सांसद बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, ये आंकड़ा क्या कह रहा है सर? देखिए आपका जो सर्वे है वो साफ तौर पे दिखाता है कि नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया ना सिर्फ उनके लिए आत्मघाती है बल्कि बिहार के विकास की जो उन्होंने सपने देखा था उस सपने को उन्होंने कुचल दिया है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, उनको बताना पड़ेगा देश में जिन कारणों से वे तेजस्वी यादव से अलग हुए थे, वे कारण कोई सैद्धांतिक नहीं था, वह कारण व्यवहार का था, वह कारण शासन का था, वह कारण जंगल राज से बिहार की मुक्ति का था। बिहार को फिर से जंगल राज में ढकेलने के लिए नीतीश कुमार इतिहास में जाने जाएंगे। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए, देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी कोलिशन धर्म को देखते हुए नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आपको बता दूं, नीतीश जी के इच्छा अनुसार शासन चल रहा था, नीतीश जी के इच्छा अनुसार विभागों का विभाजन हुआ था। नीतीश जी पर कभी भी कोई अंकुश लगाने की, बीजेपी का कहना है ना कि सब कुछ नीतीश कुमार की मनमर्जी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार तो बिल्कुल इससे अलग कांड बयां कर रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है, कन्हैया बेलारी, मैं उनका रुख करूंगी। उससे पहले आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए राकेश जी। देखिए मैं एक बात कह दूं कि ये लोकतंत्र में सभी चीज साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने यह गठबंधन तोड़ा, उनकी पार्टी की आंतरिक समस्या से ग्रस्त थे, पार्टी में कलह चल रहा था। जो पार्टी, जो व्यक्ति उनके पार्टी का पहले अध्यक्ष होता था उनसे संघर्ष चल रहा है, अचानक उनकी संपत्तियां उनको दिखाई पड़ने लगी और आपस में लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई को, अपनी आंतरिक कलह को ढकने के लिए वो कॉलिशन धर्म पर ना दे, भारतीय जनता पार्टी को दोष ना दे। नीतीश जी को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया उतना नहीं मिला। मैं कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के दिल दिमाग पर बैठे हुए हैं। 1924 में भारतीय जनता पार्टी इन दो, इस महागठबंधन को दिखाएगी और 25 में भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने से नहीं रोक सकती है। ये गठबंधन उसी तरह से डूबेगा, ये तो डूबती ही नाव है। ना कोई तेजस्वी को पसंद करता है और नीतीश जी की जो बची खुची साख थी वो समाप्त हो गई है। उन्होंने जो निर्णय लिया 24 घंटे में उनको पछतावा होगा इस निर्णय का। हमारी सरकार 25 में बनेगी। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार नहीं बनाई है और हम अपनी ताकत से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से नीतीश जी को बताना पड़ेगा सीमांचल में एनआरसी क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, किन कारणों से डरते हैं सीमांचल में घुसपैठियों से लड़ने के लिए, किन कारणों से सीमांचल में एनआरसी की बात करेंगे तो फिर नीतीश कुमार आपको घेरेंगे सर, वो जातिगत जनगणना को लेकर। तो मेरे ख्याल से उन तमाम मुद्दों पर हम आएंगे। सीधे जरा कन्हैया बेल्लारी जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। कन्हैया बेल्लारी जी, ये पूरा सियासी उठापटक सारा का सारा कुर्सी का खेल है क्या? और क्या, राजनीति में क्या होता है, लड़ाई कुर्सी ही के लिए नहीं होती है जी। आप कुर्सी पर आइएगा,
सियासी राजनीति है, जब कुर्सी पर आइएगा तभी जनता के लिए कुछ कीजिएगा। तो कन्हैया जी, जो सवाल है नीतीश का तेजस्वी से हाथ मिलाने का फैसला सही, इसमें 56% कह रहे नहीं, ये फैसला सही नहीं। राजनीति और प्रेम में और जंग में सब कुछ जायज होता है, इसमें गलती क्या है? 2015 का मैंडेट किसके लिए था कि तेजस्वी का साथ छोड़ करके, लालू का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ बना लीजिए? उस समय तो बीजेपी के लोग नहीं कहते थे कि आपने मैंडेट का अनादर किया है, आप क्यों भागे, हम आपको साथ नहीं रखेंगे, आपको मैंडेट मिला था लालू के साथ रहने के लिए, हम नहीं जाएंगे, भाग जाते। अगर नैतिकता की बात की तो ऐसा हो सकता था, लेकिन वो नहीं है। देखिए, राजनीति जो है कुर्सी के लिए है, और यहाँ पर नीतीश कुमार की दृष्टि जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर है। वो जो डील हुआ है वो इसलिए डील हुआ है कि 6 महीना या साल भर के अंदर ये जो है पद छोड़ देंगे और ताज दे देंगे तेजस्वी यादव को, अपने चले जाएंगे वहां पर। ये सारी तैयारी है, और हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार अपोजिशन जो है अभी वहां वैक्यूम है, उस फेस के लिए वो फुलफिल करने जा रहे हैं वो जो है। और इसके बाद अगर मान लीजिए 24 में वो सफल नहीं होते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, उस बड़ा कुर्सी को पाने के लिए, तो राजद जो है उनको राज्यसभा में भेज देगी, क्योंकि इनकी इच्छा ये भी एक है कि राज्यसभा का मैं मेंबर कभी नहीं बना हूं, एक बार जरा राज्यसभा में चला जाता हो जाएगा खत्म। ठीक है, आपने जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो दृश्य है उसको सामने रखा है, मुझे लगता है कन्हैया सिंह जी एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका रिएक्शन लेते हैं। कन्हैया जी, आप सहमत है कन्हैया बलहारी जी की बात से? कन्हैया सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? तो ये पॉलिटिकल स्क्रिप्ट जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, 2022 पे हमें पूरा निशाना 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से साधा जा रहा है, ये स्क्रिप्ट जो अभी कन्हैया बलहारी जी बता रहे थे, आप उससे सहमत हैं? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच रागनी नायक कुछ कहना चाह रही है। रागनी आइए, ये 2022 में 2024 की तैयारी हो रही है क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी को घेरने की? रोमाना, मुझे तो आज आश्चर्य हो रहा है कि बिहारियों के डीएनए को ललकारने वाले, बिहार की पवित्र भूमि पर खड़े होकर बिहार की बोली लगाने वाले, आपको भी याद होगा कितने पैसे दे हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।